जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के द्वारा जब आदेश जारी किए गए कि खाने पीने की तमाम दुकानों पर नेम प्लेट लगाई जाएंगी, यानी कि दुकानदार को अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रदेश सरकार ने भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समूचे प्रदेश में ये जारी कर दिया। उसके बाद आज जब हम इस रोड से गुजर रहे थे, मुजफ्फरनगर का एक कावड़ मार्ग है, हरिद्वार से मेरठ दिल्ली को जाने वाला मार्ग है, तभी हमें यहाँ एक टायर पंचर की दुकान पर नज़र पड़ी, जहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक इसकी नेम प्लेट एक यहाँ लगा दिया गया पर्चा जिसपे लिखा हुआ है मुन्ना और उसका नंबर पड़ा हुआ है। तो हमें देखकर हैरानी हुई, शायद हो सकता है कि कोई नया आदेश जारी हो गया, तो हमने पूछना उचित समझा। हमारे साथ मौजूद हैं जो ये टायर पंचर की दुकान चलाते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा मुन्ना नाम है। ये क्यों लगाया आपने? सर वो कल पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा था क्या कि अपना नाम और मोबाइल नंबर इस पर लिस्ट लगा दियो चिपका के। कहीं की दुकान है आपकी? टायर पंचर की। तो फिर आप कौन सा खाने पीने का सामान थोड़े बेचते हैं? खाने पीने के सामानों के लिए लगा? खाने पीने का सामान नहीं बेचते सर, हम तो पंचर जोड़ते हैं और हवा भरते हैं बस। फिर क्यों लगाया? बस वे कह गए थे जी कल, और फिर आज दोबारा आए थे वे, वे कहने लगे जो चिपका लियो अपना अपना नाम और मोबाइल नंबर। तो आप टायर पंचर की जब कोई मोटरसाइकिल आती है पंचर लगवाने के लिए, तो आप भी उसकी पहचान करके ही जोड़ते हो क्या? जी नहीं सर, हम पहचान नहीं करते ना, हम नाम पता पूछते, हम तो पंचर जोड़ा हवा भरी और काम खत्म हमारा। वो हिंदू है या मुसलमान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने पूछा नहीं कि ये तो खाने पीने की दुकानों के लिए लागू किया गया था, मैं तो टायर पंचर की दुकान लगाता हूँ? सर मैंने कहा था उनसे, मैं कहा सर हमारा तो कोई रोल नहीं है, हमारा खाना पीना का सामान थोड़ा, हमारा तो टायर पंचर का काम है। वे कहने लगे क्या नाम के तो सबको ही दिख रहा है टायर पंचर की दुकान। यहाँ तो टायर पंचर की और भी दुकान होगी, और भी लगाया गया कुछ जानकारी माए? टायर पंचर की मेरी दुकान के सामने दो दुकानें हैं, उनके पास कोई लिस्ट नहीं अभी। अच्छा, उनके क्यों नहीं है? सर वो मुझे मालूम नहीं। तो ये स्थिति है अब मुजफ्फरनगर में, अभी तक खाने पीने की दुकानों पर हम लोगों को ये जो नाम लिखी हुई नेम प्लेट मिलती थी, मगर अब टायर पंचर की दुकान पर भी ये नेम प्लेट लगी हुई है। ऐसे में पुलिस के, इनका कहना यह है कि पुलिस के कुछ कर्मचारी इनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने इनको कहा कि अब आप टायर पंचर की भले ही दुकान चलाते हो, आपको भी इस पर नेम प्लेट लगानी होगी। यानी मुजफ्फरनगर में अगर इनकी पूरी बात माने तो मुजफ्फरनगर टायर पंचर की दुकानों पर भी अब नेम प्लेट लगनी शुरू हो गई हैं। विनेश पवार, न्यूज 18, मुजफ्फरनगर। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम साहब क्या काम करते हैं? सही के लोग। कब से कर रहे हैं? ऐसा हो गया 25-26 साल। अच्छा, आपने बोर्ड लगाया सलीम का एडवेंचर, किसने कहा था आपको? पुलिस वाला है सर, घर लगा है, बोर्ड लगा लिया यहाँ से, डिटेल फोन नंबर। अच्छा, क्यों कह के गए? नहीं हम क्या पूछते हैं। अच्छा ठीक है, ये सर जी लगा लो। इससे पहले भी कभी किसी इस तरह की कोई मामला आया है? नहीं। क्या लग रहा है आपको, इस तरह के क्यों करा जा रहा है, क्यों लगवाया जा रहा है? हम तो मजदूर आदमियों को काम कर रहे हैं, बोर्ड लगा लो, कुछ लगवा लो, हमारा क्या है इससे आपके काम पे किसी तरह? नहीं नहीं कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। कैसा क्या मानते हैं आप, जिस तरह के जो नाम लिखे जा रहे हैं? जैसे गवर्नमेंट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट करते हैं ऐसे चलना पड़ता है। अच्छा, अब तो कोई परेशानी नहीं, हमें तो मजदूरी करनी है। गवर्नमेंट की मंशा क्या है, क्यों गवर्नमेंट इस तरह का क्या जी? हमें तो मालूम नहीं, हमें तो करना खा लेते हैं, हम तो अनपढ़ आदमी है, अपना काम करना खाना है जी, हमारा काम करना है। देखिए कुछ कांवड़ी हरिद्वार से अपना जल लेके और यहाँ तक आए थे खतौली में, आज ये अपना रोड के किनारे अपनी ट्रॉली और अपना जल रख के ये अलकनंदा पे गए थे नहर पे। जब इन्होंने वापस आके देखा तो यहाँ इनकी ट्रॉली के पास इनको एक काली संदिग्ध पॉलीथीन दिखी, जिस पे इन लोगों ने कहा कि इसमें जो है वो संभवतः मीट हो सकता है। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंच के उस पॉलीथीन को हटवा दिया गया था, बाद में उसको चेक भी करवाया गया। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें कोई मांस था, लेकिन कांवड़ियों का ये मानना है कि इससे इनकी जो कांवड़ है वो खंडित हो गई। इन लोगों ने यहाँ पे मार्ग भी बाधित किया, जो मेन रोड है खतौली की, इसमें इन्होंने कुछ देर के लिए जाम भी लगाया। प्रशासन द्वारा यहाँ पे पहुँच के इनको समझाया बुझाया गया है। इन लोगों का ये कहना है कि जो हमारी कांवड़ खंडित हुई उसको ठीक करवाया जाए और इसके संबंध में जो है वो कार्रवाई करवाया जाए, इसी आश्वासन पे इन लोगों ने यहाँ से जाम खोल दिया है और अब दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है। इसमें जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। क्या आरोपी की पहचान हो गई है? इसमें अभी टीम्स लगा दी गई हैं, जब से ये इंसिडेंट प्रकाश में आया था तब से लगातार टीम्स हैं जो कैमरा चेक कर रही हैं। इसमें जैसे ही किसी अभियुक्त की अगर इस तरह से पहचान होती है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों
माध्यम से कांवड़ियों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि अगर कहीं पे भी कोई बात होती है तो वो इसको पहले प्रशासन के संज्ञान में लेके आएं, इसके बाद जो है वो प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा, लेकिन कहीं पे भी मार्ग अवरुद्ध ना करे जिससे आम जनमानस को समस्या हो। हम सब जो है इसकी जो कांवड़ी है उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, और प्रशासन जो है मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन इस कांवड़ को सुरक्षित और एकदम किसी भी इंसिडेंट फ्री करवाने के लिए कटिबद्ध है।